शिवपुरी मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को शिवपुरी दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर के पोलो ग्राउंड पर आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम के तहत 135 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का नायक अवतार शिवपुरी में भी जारी है। यहां उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ शैलेश अवस्थी और राशन वितरण में अनियमितता बरतने पर कोलारस से पिछोर ट्रांसफर हुए फूड इंस्पेक्टर नरेश मांझी को मंच से सस्पेंड करने की घोषणा की। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी हवाई पट्टी पर उतरने के बाद सबसे पहले माधव नेशनल पार्क का दौरा किया। यहाँ अधिकारियों से टाइगर प्रोजेक्ट और शिवपुरी माधव नेशनल पार्क से कोनू और रणथोर भौर नेशनल पार्क तक बनने वाली टाइगर कॉरिडोर को लेकर चर्चा की और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जनवरी 2023 तक शिवपुरी में 3 टाइगरों का बसा दिया जाएगा। टाइगर प्रोजेक्ट से शिवपुरी पर्यटक नगरी के रूप में विकसित होगी, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। शिवपुरी में जो कुछ गड़बड़े हुई है, काम ठीक नहीं हुए, जानकारी मुझे जनता से मिली है और जो शिवपुरी के सीएमओ को मैं सस्पेंड करता हूं, ये एक बात साफ है। अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, मामा गले लगाएगा और कंधे पे उठा के घूमेगा। लेकिन एक शिकायत और मुझे मिली है राशन के बारे में, कोई कुछ और में है। जो राशन गप कर जाता है और बहुत दिनों से बैठा है, ये पता चला कोलारस, कोलारस से पिछोर, अरे खाने वाले का ट्रांसफर काय को करो, पूरी तरह से ही निपटाओ, उसको भी मैं सस्पेंड करता हूँ। गरीबों का कोई अन्न खा जाए, गरीबों का कोई खानदान खा जाए और मामा छोड़ दे, कमलनाथ ये तेरी सरकार नहीं है, ये मेरी।